सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आत्मसात कर देश की 2.5 लाख से अधिक पंचायतें आज LSDG यानी सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण कर उन्हें वर्ष 2030 से पहले धरातल पर लाने के लिए कृत संकल्पित है। पंचायती राज मंत्रालय और राज्य सरकारों के सहयोग से विगत 2 वर्षों में पंचायतों ने LSDG के सभी 9 विषयों की ओर अपने कदम तेजी से बढ़ाए हैं। इन 5T के आयामों पर ध्यान देना जरूरी है। टीम वर्क यानी ग्राम सभा में हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी से समस्याओं का निराकरण। वहीं सुशासन के अगले आयाम टेक्नोलॉजी में तकनीक की ताकत से गांवों के विकास को गति देना, जो कि डिजिटल इंडिया के संकल्प की सिद्धि में एक कदम है। सुशासन का तीसरा आयाम है टाइमलाइन यानी पंचायत का हर काम समय सीमा में पूरा करना। सुशासन का चौथा स्तंभ ट्रांसपेरेंसी के बारे में है यानी पंचायत के हर कामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना। सुशासन की अंतिम कड़ी है ट्रांसफॉर्मेशन। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में एक पंचायत है बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ ने सुशासन के 5T आयामों पर खरा उतरते हुए स्वराज की अवधारणा को साकार किया है। पंचायत ने डिजिटल पेमेंट को लेकर जो कार्य किए हैं वो सराहनीय है। अब ग्राम पंचायत के नागरिक रोजमर्रा के सभी भुगतान अब UPI के जरिए कर सकते हैं, जिनमें से एक ये है कि पंचायत ने घर घर जाकर कचरा एकत्रीकरण की सेवा को UPI पेमेंट से जोड़कर और अधिक सुगम बना दिया है। वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पंचायत ने डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा भी प्रदान की है। आइए अब बात करते हैं केरल की ऐसी 2 पंचायतों की जिन्हें सुशासन और नागरिकों को बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए ही ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ये पंचायतें हैं त्रिशूर जिले की मल्लूरकरा और ठेकुमकरा। इन पंचायतों के सुसज्जित कार्यालय किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कम नजर नहीं आते हैं। जितना बेहतर सेटअप इन पंचायतों का है उतना ही बेहतर है यहाँ का कामकाज। पंचायत का रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी उल्लेखनीय है। हर रिकॉर्ड को सुरक्षित तो रखा ही जाता है, रिकॉर्ड कीपर के माध्यम से ये तत्काल उपलब्ध भी हो जाता है। सारे रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन भी किया जाता है। इन पंचायतों ने अपने सभी कार्यों का समय पर सोशल ऑडिट, RTI आवेदनों का समय पर निराकरण करने के साथ ही योजनाओं की जानकारी पोर्टल पर अपडेट कर पारदर्शिता को अपनाया है। अब एक नजर डालते हैं कर्नाटक के उडुपी जिले की हेबरी ग्राम पंचायत पर, जो सुशासन की एक पहचान बन चुकी है। नवीनतम सुविधाओं से युक्त हेबरी पंचायत के भवन पूरी तरह से बिजली के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। पंचायत भवन में जन सूचना पटल पर सभी योजनाओं और उनके हितग्राहियों की जानकारी उपलब्ध रहती है। हेबरी पंचायत विलेज रिहैबिलिटेशन वर्क्स के केंद्र के माध्यम से दिव्यांगों के पुनर्वास और कल्याण के लिए कार्य किया जा रहा है। पंचायत ने सुशासन की थीम टीम वर्क पर फोकस करते हुए बहुत से कार्य किए हैं। हेबरी ग्राम पंचायत ने स्कूली बच्चों और प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की है। अब बारी आती है उड़ीसा के गंजाम ब्लॉक के चमाखंडी ग्राम पंचायत की। यहाँ सुशासन के 5 सिद्धांतों का पालन बड़े सुनियोजित तरीके से किया जाता है। पंचायत में नागरिकों की समस्याओं को दूर करने के लिए जन सेवा केंद्र खोले गए हैं, ताकि एक ही स्थान पर उनकी हर समस्या का समाधान मिल सके। इस पंचायत में जरूरतमंद नागरिक की हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो विकलांगों को राशन देना हो या अस्वस्थ को जरूरी चिकित्सक सुविधा प्रदान करना। GPDP को सफल बनाने के लिए महिलाओं, SC और ST वर्गों को पंचायत के कार्यों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके साथ ही पंचायत में शिकायत निवारण तंत्र को बहुत मजबूत और सुगम बनाया गया है। यहाँ सरपंच और PEO निरंतर जांच करते रहते हैं, ताकि हर तंत्र सुचारू रूप से चलता रहे।